हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चिप्स 3D ग्राम। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे सामने जियो का मोबाइल है जो बेसिक सेट मार्केट में निकल रहा है। तो चलिए, इसे ये वाटर डेड है तो इसको आप लोगों के सामने रेडी करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्रोसेस क्या क्या है। मोबाइल को तो ओपन कर लेते हैं। मेड इन चाइना है। मॉडल नंबर छोड़िए, किधर भी होगा, लिफ का है, LYF लिफ का, जियो का जो निकला हुआ है। इस मोबाइल में 4G भी आता है, जियो है 4G ही आता है। आपका जियो सिम अच्छा से काम करेगा। अदर सिम तो डाल के चेक नहीं किया इसलिए बता नहीं सकता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो डाल के। चिप्स खाना हो तो बताइए, कमेंट कर देंगे। ये स्क्रूटेबल अच्छा है, थोड़ा फास्ट चलता है इससे। उसको और खोलना पड़ेगा। यहाँ भी एक स्क्रू दिया हुआ है, शायद चार्जिंग पिन और हेडफोन को बस सेफ्टी रखने के लिए। चलिए, हमारा मोबाइल खुल कर रेडी हो गया। ठीक है, ये देखेंगे, बाहर आ गया वाटर डैमेज, इसको तो निकालना पड़ेगा। बिना निकाले देखते हैं वाटर सर्विस करके, अगर अच्छा हो गया तो नहीं निकालना पड़ेगा। इसको खोलना पड़ेगा ये निकालने के लिए। सर्विसिंग के लिए ये जरूर होता है कि आप लोग पार्ट पार्ट का खोल के अलग अलग कर दें, इसलिए कि हर जगह सर्विसिंग हो जाए। क्या हार्ड लॉक दिया है, इधर से खुले। चलिए, बाहर हो गया। स्पीकर में हमें ये थिनर एसिड जो है वो नहीं डालना है, और ऐसे करते समय बचा के कि डिस्प्ले टूट ना जाए। देखिए, इसमें गम रहता है, आप लोग चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। देखिए, अभी ये मेरा आयरन गर्म नहीं हुआ है। हाँ, चलिए, ये तो निकालना पड़ेगा, तो ये तो निकल जाएगा आसानी से। ये लॉक कर दिया हुआ है, ये क्या है जी, आईसी के ऊपर बैठा है, वो कुछ कम दिया हुआ है अलग से। चलिए, डिस्प्ले को ऐसे निकाल देंगे, ये जरूरी है डिस्प्ले निकालना, नहीं तो क्या होता है, ये डिस्प्ले निकाले तो संभाल के, नहीं तो टूट जाए तो फिर क्या फायदा निकालने से। ऐसा वाला हो तो और अच्छा रहता है निकालने के लिए। ऐसे करके क्या चीज का डिलीवरी मंगा रहे हैं।
खुलवाने का चार्ज कितना लगता है जी? 0 रुपया। 0 रुपया? हाँ। तो फिर अप्लाई कब करना है? ऑनलाइन। देखिए ऐसे निकाल देने से इसमें ये हमारा जो आईपी है ये सीट थिनर जिसको बोलते हैं वो अंदर नहीं जाएगा। हेलो। और चलिए अभी से पहले चिप्स खा लेते हैं। हाँ एनर्जी हो, एनर्जी हो। कैमरा भी रिमूवेबल कैमरा है, रिमूव कर दीजिए इसको भी ताकि ये भी बचा रहे कैमरा का क्लियरिटी। चलिए ब्रश किधर है? ब्रश लेके इसको हिलाना है खूब प्यार से। ब्रश को पकड़ लीजिए, पानी मार दीजिए, सब को साफ कर दीजिए। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी डाला है डालने दीजिए। वो डालता है कि हीटिंग होगा ना, इसे थोड़ा कम हीटिंग होगा क्योंकि 4G मोबाइल है ना, तो हीटिंग तो होगा। ये बात है कि हीटिंग होगा 4G मोबाइल। खूब दबा के पानी मारिए। इतना मारिए कि इधर से एक कॉर्नर से नीचे गिरने लगे पानी। चलिए अब इसको हीटिंग करेंगे। नहीं इतना अर्जेंट में नहीं बनेगा भैया, ऐसे काम इतना आसानी से नहीं होता, उसको टाइम चाहिए। हीट थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा हीट होना चाहिए ताकि आईसी के अंदर भी जो पानी गया हो वो भी सूख जाए। थोड़ा सा एक मिनट ठंडा हो जाए। ये आंटी क्या है? पीछे वाली आंटी क्या? हाँ पीछे वाली आंटी क्या है? बुला के जाएंगे। कुछ भी क्या पैसा दिया कि नहीं? दाव नहीं दिया, मुझे तो नहीं दिया। अगर वाटर डैमेज का मोबाइल आता है तो बैटरी को बाद में चेक किया जाता है, पहले सर्विस किया जाता है। बैटरी में चार्ज कम है तो वीडियो को पॉज करके इसे मैं चार्ज में लगा देता हूँ और चार्ज होने के बाद फिर वापस आता हूँ। हाँ तो हमारा बैटरी जो है थोड़ा बहुत चार्ज हो गया है, मतलब ऑन होना चाहिए इतना पर। वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना है।
ये माइनस और ये प्लस 3.5 है, स्टार्ट तो नहीं होना चाहिए इतना पर, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। पहले से थोड़ा बहुत चार्ज हो ही गया, चलिए रैपिड तो किया, स्टार्ट भी हो गया। अब इसके अंदर ये शायद पानी में गिरा है ना मोबाइल, तो ये पानी के कुछ छींटे अंदर चला गया है, तो हम इसको भी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लीन करने के लिए हमें सिंपली सब पहले ये स्टील बॉडी निकालना पड़ता है, और इधर से ऐसे करके पीछे से दबाने से डिस्प्ले जो है बाहर फेंकता है, उसको निकाल के एक एक इसमें पत्ती आता है डिस्प्ले के अंदर, को निकाल के थोड़ा थोड़ा हीट करके फिर से डाल देते हैं, तो ये सभी हट जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें बहुत सारा काम है, और हमें जो मेंस है वो ऑन करना था, ऑन कर दिया। अगर आपका अपना मोबाइल हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए अब इसको फिटिंग कर देते हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।